ओके ओके तो आप एग्जिट करेंगे तो बाकी एडवाइजर लोगों को हम एंट्री दे पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, है ना। सो गुड, सो आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंडसेट, ये जो दिमाग है ना, इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। आपके दिमाग को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, हाँ मुझे करना है, हाँ मैं करूंगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि दूसरे लोग कर रहे होंगे बिजनेस और आप नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, गंगा आपके घर के बाहर आई थी और आप अंदर बैठे रह गए। हमारे वो राजस्थान में कहावत है कि जब लक्ष्मी तिलक करने आती है तो मुंह धोने नहीं जाते हैं, है ना। सो आप एक ऐसे प्रोफेशन में आ गए। देखो मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, मैं और जो लोग कुछ लोग जानते हैं मुझे, वो ये भी जानते हैं कि मैं कोई मैनेजर नहीं हूँ मैं कोई भी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आप अगर बिजनेस करेंगे तो मुझे 5 पैसे का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है, राइट। आप अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो मुझे 5 पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला है। बिजनेस करो, मुझे कोई फायदा नहीं है, बिजनेस नहीं करो, मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं ये कहना, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं सिर्फ तब दुखी होता हूं अगर आपको मेरा वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने यहाँ पर साउंड चेक कर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, हाथ खड़ा करिए, आवाज सुनाई दे रही है, हाँ, मतलब बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है, मतलब आप अपने लेवल पे थोड़ा सा इसको चेक करिए कि क्या किया जाना चाहिए, है ना। सो अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। तो पहला हो गया मेंटली अपने आप को ऑर्डर देना है कि हाँ मुझे करना है। दूसरा कैसे करना है, तो सीखा जा सकता है, नॉलेज, आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, नॉलेज हासिल किया जा सकता है। नॉलेज हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, फ्री भी है, पेड भी है। यूट्यूब पे जाएंगे, मेरा चैनल नहीं, मेरा चैनल छोड़ो, है ना, आप तो कोई भी लिखो, कहीं पर भी लिखोगे ना, हाउ टू सेल लाइफ इंश्योरेंस, सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाखों वीडियोस मिलेंगे आपको, ठीक है। हिमांशु जोशी टाइप करोगे तो मेरा चैनल भी मिलेगा, वहां पर भी मैंने सैकड़ों वीडियो फ्री अपलोड कर रखे हैं। सीखा जा सकता है अगर इच्छा है तो। कोई भी काम नहीं कर पाते, मतलब कोई ना कोई तो कर रहा है ना उसको, तभी तो इंडस्ट्री चल रही है यार। आप समझो उत्पल जी कि इंडस्ट्री चल कैसे रही है, कोई ना कोई तो कर रहा है ना, तभी चल रही है, तभी लाखों पॉलिसीज हर महीने आती है, तभी करोड़ों रुपए का, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज का प्रीमियम हर महीने आ रहा है। और खास तौर से मैं बता दूं आपको, लॉकडाउन के दौरान भी आया है, है ना। अगर आप मेरे पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको फिगर भी मैंने उसमें बताया कि एक एक महीने में 750 करोड़ रुपए प्रीमियम आया, 750 करोड़ रुपए का प्रीमियम एक महीने में इंडस्ट्री ने इकट्ठा किया। मतलब कोई ना कोई कर रहा है यार, आप ये समझ लो कोई ना कोई कर रहा है। आप करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई इंतजार नहीं करेगा कि हाँ भैया आप शुरू करो मलकी तो हम कमीशन बांटना शुरू करें, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। आप करो या मत करो, कंपनी आगे बढ़ रही है, लीडर आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा आपको, मैं आपको कुछ तरीके भी अभी बताऊंगा, डोंट वरी। दूसरा आया प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे करना है प्रैक्टिस आएगा। वो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपने जो भी सीखा है आपने, अपने लीडर को बोलो कि रुको सर आप फोन उठाना, मैं कॉल करूंगा आपको, कस्टमर बनना आप, मैं एडवाइजर बनूंगा, थोड़ा कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेना आप, थोड़ा ऑब्जेक्शन करना, मैं कोशिश करूंगा उनको हैंडल करने की, प्रैक्टिस हो गया। आप गौर करना, आप अगर कहीं पर भी, बाबू पॉल जी अगर आप 4 दोस्तों को बोलेंगे कि चल पिक्चर देखने चलते हैं तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, यस और नो। लेकिन आप 4 एडवाइजर को साथ में ऐसा बोलो ना कि चल एक काम करते हैं, कॉल का प्रैक्टिस करते हैं, रोल प्ले करते हैं, पहले तू सामने बैठ जा, कस्टमर बनना मैं एडवाइजर बनूंगा, बाद में तू एडवाइजर बनना मैं कस्टमर बनूंगा, तो वो भाग जाएंगे। या तो अच्छे दोस्त होंगे, सही होंगे, तो आपके साथ बैठेंगे, दोनों की प्रैक्टिस होगी, है कि नहीं। और आप बोलेंगे सर अभी तो कोरोना के चक्कर में हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हाँ तो ठीक है ना, मोबाइल है ना आपके पास, ये जूम कॉल है ना, वीडियो कॉलिंग होता है व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए दोस्त के साथ, फ्रेंड कलीग के साथ, कोई एडवाइजर के साथ, लीडर के साथ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने हैबिट भी डाल दिया, सीख भी लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद डेली हैबिट डालनी पड़ेगी ना। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि रोज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आदत ही नहीं है हमारी, है ना। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को, आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। कैसे आदत डालेंगे, तरीका बहुत सिंपल है, आपको कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सारे लोग इससे एग्री हो सकते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री हो सकते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसएग्री होंगे तो भी, लेकिन इसको ट्राई करके देखना एक बार। आप
आपको, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तलावा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मिर्च मसालेदार नहीं खाना चाहिए? हाथ खड़ा करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। वेरी गुड। नाउ उत्पल जी, आपको ये पहले से पता है कि ज्यादा मसालेदार चीजें, ज्यादा तली हुई चीजें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी आप खाते हैं, क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है, राइट? तो अभी सबसे पहले इस चीज को समझिए, अगर एसिडिटी हो गई तो क्या करना पड़ेगा अपने को? एसिडिटी हो गई तो क्या करना है? लोगों को ऐसा लगता है कि एसिडिटी हुई, चलो मुझे दवा ले लेता हूं मैं। नहीं, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आज के बाद ये चीजें नहीं खानी है, क्योंकि आप खाते रहेंगे और दवा लेते रहेंगे, खाते रहेंगे दवा लेते रहेंगे, एक दिन वो दवा भी असर करना बंद कर देगी। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको ये समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से कि रुको भैया, मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और वो आदत डालने के लिए, सही आदत डालने के लिए बुरी आदतें बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो आदतें बंद नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आदतें कैसे डालेंगे? बहुत सिंपल है, अपने आप को कीमत चुकाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, आप में से अगर आप सीरियस हैं तो, हाँ ये अदरवाइज ये फिलोसॉफी लगेगी आपको, पर मैंने खुद किया है, रिजल्ट मिला है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। आप में से अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं सर आप बताइए मैं करूंगा, तो आप ऐसा डिसाइड करिए कि जब तक मैं 5 लोगों को फोन नहीं कर लूं तब तक नाश्ता नहीं करूंगा, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक मैं 25 लोगों को फोन नहीं कर लूं तब तक मैं लंच नहीं करूंगा। चल आ रहे हैं? तब अपने आप याद आने लगेगा आपको। अच्छा, ये आप अपने घर वालों को बोल दो, बीवी को, बच्चों को, मम्मी पापा को बोल दो कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं 5 फोन कॉल नए लोगों को नहीं कर लूं तब तक लंच नहीं करूंगा मैं, है ना, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, और 25 को नहीं करूंगा जब तक फोन तब तक लंच नहीं करूंगा। अभी आप खाना खाने बैठ गए, कॉल नहीं किया, खाना खाने बैठ गए तो वाइफ पूछेगी क्यों, कॉल हो गए क्या आपके? नहीं, आप बोलेंगे नहीं हुए, तो नहीं हुए, आपने तो बोला था करूंगा, है ना। तो वहां कमिटमेंट लेवल आता है। कीमत अगर आप चुकाएंगे नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, असफलता की भी कीमत चुकानी पड़ती है, सफलता की भी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर आपने सफलता की कीमत चुकाने की तैयारी नहीं दिखाई तो असफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो सफलता की कीमत से ज्यादा होती है। ठीक है, काम नहीं करना ज्यादा महंगा पड़ता है बजाय इसके कि आपने काम किया और असफल हो गए। तो ये आपको अपने आप को कमिटमेंट करना पड़ेगा। कुछ भी कमिटमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था मेरे जमाने में जब मैं प्योर सेल्स में था कि जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा मुझे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। मैं सेल्स में, मैं भी रहा हुआ हूँ सेल्स में, एक टाइम क्या आया, एक टाइम आया कि 11 बजते बजते भूख लगती थी तो फिर दिमाग चलना शुरू होता था, रुको वो भी एक, वो भी नाम, वो भी नाम, वो भी नाम, अपने आप नाम दिमाग में आने लगते हैं आपको, डोंट वरी। तो पहला हो गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री भी बाकी इंडस्ट्री जैसी ही टफ है, कहीं पर भी लाइनें लगी हुई नहीं है। इस हद तक मैं बता देता हूं कि लाइनें जहां लगती ना, जहां कस्टमर सामने से अप्रोच करता है ना, सपोज आप अफीम बेचते हैं, सपोज आप गुजरात या बिहार में शराब बेचते हैं, तो लोग आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वहां भी दूसरी तरह की तकलीफें हैं, वहां पुलिस की तकलीफ रहेगी, आपको जेल जाने की तकलीफ रहेगी। तो कोई भी काम होता है तकलीफ तो रहती ही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस तकलीफ से बाहर निकलना है तो आपको नॉलेज चाहिएगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, और एक्शन मोड में आने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको स्किल यानी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, और आपको आदत डालनी पड़ेगी कि हाँ मुझे डेली ये काम करना है। आप बोलेंगे सर सब ये ठीक है, ये आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। 4 कस्टमर ना बोलते हैं तो बाद में डिप्रेशन आ जाता है, थोड़ा निराशा हो जाती है, 5वां कॉल करने की हिम्मत नहीं होती है, है ना, वो फोन उठाने की वो इच्छा नहीं होती है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरी तो 4 कॉल करने के बाद डिप्रेशन में आ जाता हूं, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि वो 4 लोग को सामने रखिए आप, और अपने घर के 4 लोगों को सामने रखिए, और आप बताइए मुझे, जवाब दीजिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, उन 4 लोगों के लिए जो आपके कुछ भी नहीं लगते हैं, या इन 4 लोगों के लिए, मम्मी पापा वाइफ और बच्चा, जो आपके बहुत कुछ लगते हैं, है ना। तो आपको किनको देखकर निराशा होनी चाहिए और किनको देखकर आशा जगनी चाहिए? तो अगर आपको 4 कॉल करने से निराशा होती है, पानी पीजिए, एक आध कोई गाना वाना सुनिए, या कुछ जो भी आपको रिक्रिएशन के लिए करते हैं वो करिए, एंड देन वापस से कॉल करना शुरू कर दीजिए। ख्याल आ रहा है मैं क्या करूं? क्योंकि वो 4 लोग जो आपको ना बोल रहे हैं, वो आपके कुछ भी नहीं लगते हैं, ये आप काम उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो उनके लिए जो आपके लगते हैं, और उन जो वो लोग जो लगते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, मैं बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं, आप प्रोस्पेक्ट की ना सुनोगे ना तो उतना दुख नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कौशिक पंड्या जी, आप अगर प्रोस्पेक्ट की ना सुनते हो ना
तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना दुख होगा अगर आपको अपने घर वालों को ना बोलना पड़ा तो। आपके बच्चे ने बोला उत्पल कि पापा मुझे गाड़ी साइकिल दिलाओ, और उसको ना बोलना पड़ा ना, तो ये ज्यादा दुखेगा ना सुनने के मुकाबले में। आपकी वाइफ ने बोला कि आप शादी हो गई, हम बहुत साल से घूमने नहीं गए, इस बार घूमने जाते हैं सब कुछ कोरोना वोरोना ठीक होने के बाद, और तब आपके पास पैसा नहीं हुआ और आपने ना बोला ना, तो वो ना बोलना ज्यादा दुखेगा बजाय इसके कि चार लोगों का ना सुनने के। यस और नो, है ना? तो आपको अगर ना बोलना बंद करना है तो आपको ना बोलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपकी जिंदगी में ना तो लिखा ही है। अब या तो बोल लो या फिर सुन लो। सुनना ज्यादा सस्ता पड़ेगा बोलने के मुकाबले में। अगर सपोज आपके ऊपर कर्जा है, या कहीं लोन ले रखा है, ईएमआई आ रहा है, या कर्जे वाला बोल रहा है फोन करके कि भाई पैसा दो, उसको ना बोलना ज्यादा आपको दुखेगा, महंगा पड़ेगा बजाय इसके कि चार लोगों का ना सुनना जिनको आपने इंश्योरेंस के लिए अप्रोच किया। तो आपके जिंदगी में जो ना का कोटा है ना, बोलो या सुनो उसको कंप्लीट कर लो फटाफट। बेटर है सुन के कंप्लीट कर लो। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके okay. अब आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, जब भी कभी भी हमको ना आएगा तो ना बोलेंगे लोग तो हम घर वालों को देख लेंगे। मेरा नंबर मैंने आपको दिया ही है, मेरा नंबर दिया है, अगर आपको निराशा होती है चार पांच लोगों का ना सुनने के बाद मुझे मैसेज करो, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ताकि छठा कॉल कर सको आप बिना किसी संकोच के, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर लिखना चाहो तो लिख लो 9825600778। मैं रिपीट कर रहा हूं 9825600778, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। मैं रिपीट कर रहा हूं 9825600778, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल में उठा नहीं पाता हूं, मैसेज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना पहली बार मैसेज करें ना तो अपना नाम लिख देना वहां पर, है ना, अपना नाम और सिटी लिख देना ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ना सुनना ज्यादा सस्ता पड़ेगा बजाय इसके कि ना बोलना। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? अब करना क्या है? तो मैं ये सेशन क्यों आपको आज बुलाया है बात करने के लिए, विजय अठावले जी इस चीज को समझना। मैं नंबर नहीं लिखवाया। हाँ जी, मैं नंबर नहीं लिखवाया सर। 9825600778 9825600778, ठीक है? अच्छा, और मैं आपको, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको बहुत सारा मटेरियल भी भेज दूंगा। वैसे बहुत सारे वीडियोस और टूल्स और बहुत सारे पिचेस, प्रोस्पेक्ट से क्या बात करनी है वो पूरा लाइन टू लाइन डायलॉग्स, पूरा स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सब मेरा ट्रेनर ऐप पर अवेलेबल है, है ना? तो trainerhimanshu.com मेरी साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना? वहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। मैं ये कोई सेशन बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, फ्री है सेशन, और मटेरियल भी मैंने बहुत सारा फ्री रखा हुआ है। पूरी इंडस्ट्री में जितने भी ट्रेनर हैं, मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री में जितने भी ट्रेनर हैं उन सबका टोटल फ्री मटेरियल मिलाओगे उससे ज्यादा अकेले का मेरा फ्री मटेरियल है, है ना? 90% ट्रेनर जो इंडस्ट्री के हैं वो मेरा मटेरियल कॉपी करके अपना रोजगार चलाते हैं, ये मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपको। सो वो बहुत सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल है। क्यों मैंने फ्री क्यों रखा है? बिकॉज मुद्दा ये नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूं या नहीं कमा रहा हूं, मुद्दा ये है कि क्या मेरे पास एक ऐसी चीज है जो काम लग सकती है किसी को, और वो मैंने कहीं से खरीदी नहीं है, ईश्वर ने मुझे दी है तो मैं आगे दे सकता हूं। तो मैंने बहुत सारी चीजें फ्री रखी है। डिटेल में एडवांस कोर्सेज है, वो कोर्सेज भी चलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना मटेरियल, पर्याप्त मटेरियल, मैंने ट्रेलर नहीं, पर्याप्त मटेरियल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एंड मेरा ट्रेनर ऐप में दे रखा है, जिससे आप आराम से शतकवीर बन सकते हो, उस आराम से बन सकते हो, ठीक है? उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर ठीक है, नॉलेज भी ले लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, एटीट्यूड भी सही रख लेंगे कि सफल होना ही है मुझे, और निराश भी नहीं होंगे, निराश होंगे तो हम परिवार वालों को देखेंगे या आपको मैसेज कर देंगे, कुछ आप मोटिवेट कर देना, डन, आगे बढ़ते हैं। सब बात क्या करनी है, क्यों, तो वो सारी स्क्रिप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं भी रिप्लाई में भेज दूंगा, अदरवाइज आप मेरा ट्रेनर ऐप पे जाकर फ्री डाउनलोड वाले पे बटन दबाएंगे तो वहां पर सब मिल जाएगा आपको इंस्टेंटली, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति है, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति सफल अगर आपने देखा है कि हाँ ये व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया, तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है क्यों, वो चेक करना पड़ेगा कि क्यों सक्सेसफुल हो गया। हमेशा ध्यान रखिए क्या करना है, ये आपकी सक्सेस में 7.5% कंट्रीब्यूट करता है।
है ना, क्या करना है ये अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब है 7.5% आपका काम हो गया। कैसे करना है अगर आप ये जानते हैं तो और 7.5% आपका काम हो गया। लेकिन मेन जो 85% है वो है क्यों करना है। ये क्यों करना है जब तक दिमाग में क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब जैसे उदाहरण के तौर पे है ना, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं जगन्नाथ मिश्रा जी कि चलो अपन एक काम करते हैं बैंगलोर चलते हैं, तो आप बोलेंगे बैंगलोर क्यों जाना है। अरे देखो सबसे पहला बैंगलोर आया, क्यों जाना आया है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल क्या आया, बैंगलोर क्यों जाना है। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ एक काम करते हैं बैंगलोर जाते हैं, वो शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं, तो आप बोलेंगे अरे कहाँ शॉपिंग वॉपिंग, अभी इतना तो कोरोना वोरोना चल रहा है कहाँ शॉपिंग करने जाएंगे, रहने दो। फिर मैं आपको बोलता अच्छा चलो ठीक है हम बैंगलोर जाते हैं वहां पर एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे अरे सर रिस्क क्यों लेते हैं, ट्रेनिंग सेशन हो रहा है तो बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे या अभी ऑनलाइन वाले करेंगे, बैंगलोर नहीं जाएंगे। अब देखो फिर से गड़बड़ हो गई, ये तो मानने को ही तैयार नहीं है जगन्नाथ मिश्रा जी है ना। तो मैं इनको बोलता हूँ मैं आपको ना फ्लाइट में ले जाऊंगा, बोले फ्लाइट में ले जाओ ट्रेन में ले जाओ, वो कोरोना का चक्कर तो भी है ही ना। मैं कहा ये भी बात सही है, तो अभी तक देखो कन्विंस नहीं हो रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा जी कि बैंगलोर चलने के लिए। लेकिन अगर मैं जगन्नाथ मिश्रा जी को ऐसा बोलता हूँ कि अपन चलो बैंगलोर चलते हैं या आप बैंगलोर जाइए, ये पूछेंगे क्यों, तो मैं इनको बोलता हूँ कि IRDA ने भारत में 10 एडवाइजर ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो द मोस्ट पोटेंशियल द मोस्ट प्रॉमिसिंग द बेस्ट एडवाइजर है, उसमें से एक आपका नाम सिलेक्ट किया है, तो IRDA का चेयरमैन वहां पर आपको एक मेडल देगा एक सर्टिफिकेट देगा। अभी जगन्नाथ मिश्रा जी क्या करेंगे, ख्याल आ रहे हैं ना, अभी वो क्या करेंगे, अभी सारे बहाने साइड में, बोले फ्लाइट में जाऊंगा सैनिटाइजर हाथ में लगा के जाऊंगा दो मास्क पहन के जाऊंगा, लेकिन बैंगलोर तो जाऊंगा क्योंकि IRDA का चेयरमैन मेरे को ट्रॉफी देने वाला है। देखो ये समझना पड़ेगा आपको क्या हो गया मुबीन सोलकर जी, ये हो गया क्यों क्लियर हो गया, और ये क्यों जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी एक्शन होता है। तो अगर सुबह 11 बजे तक आप अपना फोन उठाकर और नंबर डायल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है क्यों करना है वो अभी तक या तो क्लियर नहीं है या उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप एक्शन कर सके। आप सुनना बहुत ध्यान से, मैं आरोप लगा रहा हूं पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, इस इंडस्ट्री में 23 लाख लोग हैं मुबीन सोलकर जी, 23 लाख एडवाइजर हैं, उसमें से सिर्फ 4 लाख एडवाइजर ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, फुल टाइम इंश्योरेंस से कमाकर खाते हैं, बाकी सभी लोग इंश्योरेंस भी करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, 4,60,000 लोग इंश्योरेंस ही करते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो इंश्योरेंस भी करते हैं। मूड हुआ तो किया, मूड नहीं हुआ तो नहीं किया। सक्सेसफुल कौन होता है, व्यक्ति जिसको एक क्लैरिटी होती है कि मुझे क्यों करना है। क्लियर है, ये क्यों करना क्लियर होते ही अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाता है, अपने आप दिमाग चलता है। आप चिंता करो ही मत इस विषय पर, तो ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को, आपको ये बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। शाम को बैठकर शांति से सोने से पहले जब भी टाइम मिले टाइम निकालिए और चेक करिए, सोचिए इस विषय पर कि मैं ये काम क्यों करूंगा, मैं ये काम क्यों करूंगा। ये क्यों जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी एक्शन होगा उसका, ये क्यों जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एक्शन होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों करूं, कोई भी कारण हो सकता है ना। अगर आपके जिंदगी के सपने पूरे हो चुके हैं, आपको अगर लगता है जगन्नाथ मिश्रा जी कि सब माया है यही रह जाता है, पैसा तो हाथ का मैल है दुखों की जड़ है, I 100% एग्री विद दैट। ठीक है, अगर आपके सपने नहीं है, आपका अगर कोई लक्ष्य नहीं है, तो घर में किसी और मेंबर को पूछ लो, हो सकता है आपके बच्चों को ऐसा नहीं लगता हो कि माया है यही रह जाता है ना, हो सकता है आपकी वाइफ को नहीं लगता हो कि माया है यही रह जाता है, उसके कुछ सपने होंगे, बच्चों के कुछ सपने होंगे शायद, है ना, माँ बाप के कुछ सपने होंगे, किसी न किसी के तो होंगे ना सपने, उनके सपने को अगर आप अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए काम नहीं करते हैं तो आपको किसी और के लक्ष्य पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। मैं शब्दों के ऊपर गौर करना पड़ता है। तो अगर आपके लक्ष्य नहीं है, मैं मानता हूं कि आपका तो मोक्ष के नजदीक पहुंच गए हो, तो जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक घर वालों के लिए कुछ कर लो, है कि नहीं। बच्चे की बहुत इच्छा होती है कि एक एप्पल का आईफोन हो उसके पास, और उसके पास एक आईपैड भी हो, और घूमने जाएं तो 5-star होटल में जाएं, घूमने जाएं तो फ्लाइट में जाएं, लेकिन आप क्या बोलोगे, अरे फ्लाइट का क्या, फ्लाइट तो खाली फालतू खर्चा है। नहीं, उसके सपने पूरे कर लो, आपको नहीं लग रहा है उसके सपने के लिए कर लो। तो आपको आज शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा, मुझे ये क्यों करना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है, मुझे पूछेंगे तो मैं आपको एक तरीका बता कारण बता सकता हूँ। पैसे के लिए करोगे ना, सुनना बहुत ध्यान से, पैसे के लिए करोगे ना तो ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।
ठीक है, क्यों ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि सपोज एक बार पैसा नहीं आया तो निराशा भी होती है, अरे नहीं आया पैसा, फिर वो वापस आ भी हो जाएगा, माया है सब यहीं रह जाता है, है ना, बच्चे को भी कन्विंस करेंगे कि इच्छाएं तो अनंत है सब यहीं रह जाता है। लेकिन एक चीज जो है जो मैंने अब तक गौर की है पूरी जीवन में 25 सालों के खासतौर से प्रोफेसर करियर में, कि एक चीज ऐसी है जिस जो अगर कारण है आपका काम करने का, तो वो चीज एक परमानेंट ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है, परमानेंट बैटरी चार्ज रखती है आपकी, और वो क्या है, लिख लो, लिखना जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लो, पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना। आपने अपनी पहचान बनाने के लिए अगर काम करना शुरू किया है तो आपका काम बहुत तेजी से बहुत ज्यादा होगा। अब पहचान बनाने से क्या मतलब है समझिए, आज मैं बोलता हूं, आज मैं अगर किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं यहां पर, तो उदाहरण के तौर पे नाम लेता, तो देखो एक और गड़बड़ है भैया, यहाँ बहुत सारे लोगों ने तो मोबाइल के नाम से ही रजिस्टर कर रखा है, अपना नाम तक नहीं लिखा है, घर वालों ने नाम अच्छा नहीं रखा क्या, एक है गैलेक्सी J8, ये क्या नाम हुआ, एक जने का नाम है गैलेक्सी J7 प्राइम, एक जने का नाम है रेडमी, और एक जने का नाम तो अजीब सा है CF196747, ये कैसे नाम है रे, ये कैसे नाम रखे हैं आपके घर वालों ने आपके, हैं? अरे आपका नाम रखा है तो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं वहां पर अपना नाम लिखो ना, एक नाम है 7413A, ये स्मॉल वाला, फिर 7b f, ये कैसे नाम है यार, तो ये वाले नाम तो भैया नहीं बनेंगे। आपका नाम है मुबीन सोलकर, तो अगर मैं बोलता हूं मुबीन सोलकर, तो यहां पर बाकी सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि कौन मुबीन सोलकर, ख्याल आ रहा है, इसका मतलब है आपने अपना नाम बनाया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलता हूं भरत पारेख, क्या आपने नाम सुना है भरत पारेख, भरत पारेख कौन है, विश्व का नंबर 2 एडवाइजर है, भारत का नंबर 1 एडवाइजर है, 4.5 करोड़ रुपया कमीशन हर साल कमाता है। अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं और आप भरत पारेख का नाम नहीं जानते हैं तो आप दरअसल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं ही नहीं, मैं बहुत ओपनली बता रहा हूं आपको, ठीक है, जैसे आप कोई सिनेमा इंडस्ट्री में जाता है, है ना, फिल्मों में, और वो जानता नहीं अमिताभ और शाहरुख कौन है, तो भैया उसको छोड़ ही देना चाहिए फिर सिनेमा का ख्वाब, राइट और रॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है और वो अगर मुकेश अंबानी का नाम नहीं सुना है उसने, तो फिर बिजनेस का छोड़ दो भैया। तो आप इस चीज को पॉलिटिक्स में जाता है कोई व्यक्ति और उसको पता नहीं है नरेंद्र मोदी कौन है, तो उसको पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर आप इंश्योरेंस में हैं और अगर आपको भरत पारेख का नाम पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि आप अपनी इंडस्ट्री के नंबर 1 व्यक्ति को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में अभी तक पूरे घुसे नहीं है, आपको घुसना पड़ेगा। आपकी ब्रांच में या आपके शहर में, आप जिस भी शहर से हो, आपके शहर में अगर आपका नाम लिया जाता है और लोग ये न पूछें कि कौन सुजन सरकार या कौन संतोष रत्नाकर या कौन विश्वनाथ जैना, तो इसका मतलब है आपने अपनी पहचान बना ली है, चला रहे आप इसका मतलब। तो ये कहां से शुरू होगा, मैं आपको अब लक्ष्य दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जनवरी फरवरी मार्च एक ऐसा टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च एक ऐसा टाइम है जब मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, यानी हवा आपके पक्ष में बह रही है। जनवरी फरवरी मार्च में साल का सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, ठीक है, आप करो या नहीं करो मुझे रत्ती मात्र का फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं पहले से बता देता हूं, ठीक है। आपको और कोई भी व्यक्ति बोलता है आपके दिमाग में आ सकता है ये बात कि हाँ इस व्यक्ति को मेरे से बेनिफिट हो रहा होगा क्या, लेकिन मैं तो जानता भी नहीं और आज के बाद शायद पता नहीं वापस संपर्क कब करूंगा मैं आपसे, या करूंगा अभी कि नहीं करूंगा। तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही दिल से इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको ये समझ लेना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से कि आपको क्या लक्ष्य रखना चाहिए। आइडिया दे रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च में हवा इंडस्ट्री के पक्ष में बहती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो साल भर टाल रहे होते हैं वो जनवरी फरवरी मार्च में डिसीजन लेते हैं। तो आपको हो सकता है ये लक्ष्य रखें कि मैंने अब तक जितना भी बिजनेस किया है उससे ज्यादा बिजनेस मैं करूंगा। हो सकता है आपने अब तक हाईएस्ट बिजनेस किया हो गोपाल घोष जी, हो सकता है आपने अब तक हाईएस्ट बिजनेस किया हो 100 लाइफ, ठीक है। तो आप इस बार ऐसा टारगेट रख सकते हैं कि इस बार मैं 200 लाइफ करूंगा, पता नहीं क्या, आप अपना अपना खुद का डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी व्यक्ति ने अब तक मैक्सिमम 6 लाख रुपीज का प्रीमियम इकट्ठा किया है टोटल साल में, आप टारगेट रख सकते हैं कि इस 3 महीने में मैं 6 लाख, पूरे साल में 6 लाख किया था, इस बार मैं 3 महीने में 6 लाख करूंगा, या मैं इस बार 10 लाख करूंगा, व्हाटएवर। या फिर आप ऐसा लक्ष्य रख सकते हैं कि आपकी टीम में
आपके जो भी लीडर हैं, डीओ हैं, एसबीए हैं, मैनेजर हैं, जो भी आपके कंपनी में उसको डेजिग्नेशन बोलते हैं, उनकी टीम में अब तक हाईएस्ट किसने किया है उसको मैं क्रॉस करूंगा। सुनना बहुत ध्यान से, आप देवाशीष ऐसा सोच सकते हैं साहू कि मैं मेरी टीम लीडर जो है उनसे बात करिए जाकर कि सर आपकी टीम में एक साल में हाईएस्ट बिजनेस करने वाला व्यक्ति क्या किया, तो बोले हो सकता है वो बोले कि हाईएस्ट बिजनेस करने वाले व्यक्ति ने 67 पॉलिसीज की है या 25 लाख का प्रीमियम किया, व्हाटएवर। तो आप ये टारगेट कर सकते हैं कि मैं इससे ज्यादा करूंगा, यानी मेरे लीडर की टीम में हाईएस्ट जो भी बिजनेस हुआ है उस हाईएस्ट बिजनेस को क्रॉस करना है। या तो पहला आपने रखा मेरे खुद के बिजनेस को क्रॉस करना है, या आपने टीम लीडर के हाईएस्ट को क्रॉस करना है, या आप ऐसा लक्ष्य रख सकते हैं कि ब्रांच में अब तक जो नहीं हुआ है वो करूंगा। उदाहरण के तौर पे आप जाकर चेक करेंगे तो शायद आपको ऐसा पता चल सकता है, मनीष मुझे नहीं पता आपके ब्रांच कौन सी है और कहां पर है लेकिन मनीष मिश्रा जी आप अपने ब्रांच मैनेजर से, अपने डीओ साहब से बात करेंगे तो हो सकता है आपको पता चले कि आपकी ब्रांच में आज तक किसी भी व्यक्ति ने 500 पॉलिसी लॉगिन नहीं किया होगा, हो सकता है ना। तो आप ये लक्ष्य बना लो कि जो ब्रांच में नहीं हुआ है मैं वो करूंगा, यानी मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो जो मैंने कभी नहीं किया है वो करूंगा, या मेरे टीम लीडर के ग्रुप में कभी नहीं हुआ है वो करूंगा, या ब्रांच में जो नहीं हुआ है वो करूंगा। आप बोलेंगे मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूं उतना काम, तो डिवीजन के लेवल पे चले जाओ कि जो आज तक डिवीजन में नहीं हुआ है वो करूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा भी टारगेट रखे, हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा भी टारगेट रखे कि मैं 1 जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक रोज एक पॉलिसी लॉगिन करूंगा, क्योंकि ऐसा हमारे डिवीजन में कभी हुआ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने 100 दिन तक रोज एक पॉलिसी लॉगिन किया। ये भी एक बड़ा टारगेट हो सकता है। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तब आपकी पहचान बनेगी। ख्याल आ रहा है मनीष मैं क्या कह रहा हूं, तब आपकी पहचान बनेगी। क्योंकि अगर आप बोलेंगे मैं 10 लाख प्रीमियम करूंगा तो 10 लाख प्रीमियम करने वाले 250 लोग होंगे आपकी ब्रांच में, यस और नो, है ना। तो आप ये कर लोगे, क्या फर्क पड़ता है उससे, एक और हो गया। लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है, है ना। हो सकता है आप ऐसा भी करें कि मैं यू नो 7 दिन तक रोज 7-7 पॉलिसी लॉग इन करूंगा, ऐसा नहीं हुआ होगा शायद आपकी ब्रांच में, 7 दिन तक 7-7 पॉलिसी लॉग इन किया। कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा करिए जो अभी तक नहीं हुआ है आपके जीवन में, आपके लीडर के जीवन में, आपकी ब्रांच के जीवन में, या आपके डिवीजन के जीवन में, या कंपनी में, पता नहीं कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पे जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूं, है ना। आप देख पा रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताऊं, मैंने मुबीन जी आप मुझे पहले से जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूं ना वो पहले मैं खुद करता हूं फिर आपको बोल रहा हूं। ये कोई बोल बच्चन नहीं है कि आके बोल दिया स्क्रीन के ऊपर। पिछले साल, ये तो साल 2020 में तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से सब खत्म हो गया, मेरा टूरिंग नहीं हो पाया, लेकिन 2019 में मैंने 1 अक्टूबर 2019, सुनना बहुत ध्यान से, 1 अक्टूबर 2019 को मैंने टूर चालू किया था, ट्रेवलिंग चालू किया था, और 20 फरवरी 2020 तक मैंने रोज नए शहर में, यानी 131 दिन तक रोज नए 131 शहर में ट्रेनिंग दिया था। ऐसा पूरे विश्व में आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि एक ट्रेनर ने रोज नए शहर में ट्रेनिंग की हो और ऐसा 131 दिन तक लगातार किया हो। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने। 22,000 किलोमीटर का अकेले ड्राइविंग किया, खुद ड्राइविंग किया, कोई ड्राइवर साथ में नहीं था, कोई दूसरा व्यक्ति साथ में नहीं था, 22,000 किलोमीटर का ड्राइविंग किया मैंने। नेपाल वालों ने बुलाया तो नेपाल भी चला गया था बीच में 2 दिन के लिए। तो ऐसा आज तक विश्व में नहीं हुआ है, वो मैंने किया। मैं आपको तब मैं आपको बता सकता हूं कि आप भी कुछ ऐसा करो जो आज तक नहीं हुआ। मैं ये 2020 में 150 दिन के लिए करने वाला था, पर ये लॉकडाउन हो गया, घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि इस साल, ये 2020 का साल है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस को 150 साल पूरे होने का साल था ये, है ना। तो मैंने सोचा था कि इस साल में 100, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखना मैं अप्रैल से चालू कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूं, मैं अप्रैल से टूरिंग चालू करने वाला हूं कि मैं क्या कर 150। तो अभी इस बार मैं कुछ नई चीज करने वाला हूं, सेम चीज नहीं करने वाला हूं। तो कुछ नया करिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, उससे आपको उत्साह मिलेगा, उससे आपको लगेगा हाँ मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं तो कोई सोच भी नहीं सकता है जो किया नहीं है किसी ने, वहां से एनर्जी। पैसा तो आएगा ही। देखो आप सोचो खुद कि अगर आप 7 दिन तक 7-7 पॉलिसी लॉग इन करोगे तो पैसा नहीं आएगा, क्या प्रीमियम होगा तभी ना पॉलिसी लॉग इन करोगे तो प्रीमियम होगा, तो पैसा तो आएगा, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। जनवरी फरवरी मार्च में आपको कुछ ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए अपने लिए, जनवरी फरवरी मार्च में अपने लिए कुछ ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए जो आपको एनर्जी देता हो। पैसे का लक्ष्य ज्यादा दिन तक एनर्जी नहीं देता है, लेकिन पहचान का लक्ष्य एनर्जी देता है, ठीक है।
मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, मैंने नया क्या किया, आप ये जो सिंबल देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, बैग एडवाइजर का सिंबल लोगो देख पा रहे हैं, पूरे विश्व में सैकड़ों साल हो गए, सुनना बहुत ध्यान से, पूरे विश्व में सैकड़ों साल हो गए उसके बावजूद भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर को पहचान नहीं मिली। आज आप दूर से देखकर बता देते हैं कार को कि ये डॉक्टर की कार है, रेड कलर का प्लस लगा हुआ होता है उस कार के ऊपर, यस और नो? दूर से आप सीए का ऑफिस पहचान लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर लोगो लगा हुआ होता है, सीए ऐसा एक सिंबल लगा हुआ होता है उसका, ठीक है? आप पूरे रेलवे स्टेशन पर, मनीष ध्यान से सुनना, पूरे स्टेशन पर हजार लोग होते हैं उसके बावजूद भी आप टीटी को पहचान लेते हो, है ना? एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, आप डॉक्टर को पहचान लेते हो, नर्स को पहचान लेते हो, है ना? आपको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। आप अपनी ब्रांच में होते हो ना, तो भी कोई व्यक्ति पहली बार देखता है तो बोलता है कि कस्टमर हो कि एजेंट हो, तो आप बोलते हैं डेढ़ साल से वो एजेंट हूं मैं यार, अच्छा आज ही देखा आपको मैंने, क्योंकि पहचान ही नहीं है आपकी। गुमनाम अंधेरे में जो गायब होता है ना व्यक्ति, वैसा, जबकि विश्व का सबसे पवित्र प्रोफेशन है, करोड़ों 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 हजारों करोड़ों रुपए का प्रीमियम इकट्ठा करते हैं आप, लाखों करोड़ रुपए का प्रीमियम इकट्ठा करते हैं, लाखों करोड़ रुपए के क्लेम सेटल कर दिए, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आपकी पहचान नहीं है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं है, अब कर देते हैं। तो सिंबल अनाउंस किया, पूरे विश्व में आज तक एडवाइजर को पहचान दिलाने के लिए एक भी चिन्ह नहीं था, अभी हो गया। पहली बार हुआ कि नहीं हुआ मुबीन जी, है ना? तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि जो आज तक नहीं हुआ है वो करने का, और मैं कह नहीं रहा हूं, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आज सिचुएशन ये है कि 7 देशों में इस चिन्ह का प्रयोग करना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है? आपको भी शुरू कर देना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले करोगे, आपको देखकर लोग करेंगे कि लोगों को देखकर आप करोगे। करना तो है आज नहीं तो कल, क्योंकि मेरा मिशन, पर्सनल मिशन क्या है, रिस्पेक्ट ऑनर एंड डिग्निटी फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर, जीवन बीमा सलाहकार के लिए सम्मान, गौरव एंड प्रतिष्ठा हासिल करना, और मैं उसी दिशा में ले जा रहा हूं सारी चीजों को। तो क्या हो गया, सम्मान किसको मिलता है, जो प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर को सम्मान मिलता है, वकील को सम्मान मिलता है, सीए को सम्मान मिलता है, अपने को उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, है ना? बल्कि मिलता ही नहीं है, सच बताऊं मैं आप तो, आज तक किसी भी मां ने, ध्यान से सुनना मेरी बात गोपाल जी, आज तक किसी भी मां ने अपने बच्चे को ऐसा नहीं बोला कि मेरा बेटा बड़ा होके एजेंट बनेगा, बोला क्या? नहीं बोला। बल्कि आप एजेंसी लेकर घर पहुंचते हैं तो मां बाप बोलते हैं, अरे बेटा तूने ये क्या किया, कोई और काम नहीं मिला, राइट? आज तक किसी भी एडवर्टीजमेंट में, आज तक किसी भी विज्ञापन में वर चाहिए, वधु चाहिए, मैट्रिमोनियल विज्ञापन में ऐसा नहीं आया कुंतल कि सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष पढ़ी लिखी कन्या के लिए वर चाहिए, जीवन बीमा अभिकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। आज तक एक भी ऐसा ऐड नहीं आया थी कोई भी न्यूज़पेपर में। आज तक पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, एक भी कॉलेज और स्कूल में बच्चों को यह नहीं बताया गया है कि करियर काउंसलिंग के सेशन में कि तुम्हारे पास करियर का एक और ऑप्शन भी है, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील के साथ साथ एडवाइजर भी बन सकते हो। आज तक किसी ने नहीं बताया ये। देवव्रत सरकार जी, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो आपको क्या लक्ष्य हो सकता है, आपका लक्ष्य क्या हो सकता है कि मैं इतना सक्सेसफुल होऊंगा इस प्रोफेशन में जगन्नाथ मिश्रा जी, कि मुझे देखकर कम से कम एक व्यक्ति को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जो काम मुबीन सर का सोलकर करते हैं वही काम मैं करूंगा। तो मुबीन सोलकर मुबीन भाई बोलेंगे मैं तो इंश्योरेंस का काम करता हूं, तो बोलेगा मेरे को भी यही करने का है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लोगों के लिए बहुत, हर एक को समझ में आए जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी मजा तब आएगा जब आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। खैर है, लोगों लोग आपको देखकर पहचानने चाहिए। जगन्नाथ मिश्रा अगर बस स्टैंड पे खड़ा है या रेलवे स्टेशन पे खड़ा है तो 4 कारें रुकनी चाहिए और बोलना चाहिए, अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको। इसका मतलब है आपने अपनी पहचान बनाई। तब बोले नहीं मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, अरे सर क्या टैक्सी का वेट कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं छोड़ूंगा सर आपको, आपको मेरे साथ ही आना पड़ेगा। ऐसा जिस दिन आपके साथ होने लग जाएगा, इसका मतलब है आपने अपनी पहचान बनाई। ख्याल आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जनवरी, फरवरी, मार्च एक ऐसा टाइम है जब माहौल इंश्योरेंस के पक्ष में होता है। ये टाइम को आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, आप चाहें तो बहाने बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो नाम और पैसा बनाते हैं और दूसरे बहाने बनाते हैं, दोनों एक साथ नहीं बनते हैं, दोनों एक साथ नहीं बनते हैं। आपको क्या बनाना है आपको डिसाइड करना है। आपकी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, आपके लीडर्स आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैंने मेरा पर्सनल नंबर दिया है आपको, है ना, मैं बड़े गर्व से आपको बता सकता हूँ। आपने बहुत सारी और ट्रेनिंग अटेंड की होगी, लेकिन शायद ही किसी ट्रेनर ने अपना पर्सनल नंबर दिया होगा आपको। असिस्टेंट का नंबर देते हैं, ठीक है, असिस्टेंट का नंबर देते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसके लिए कस्टमर हो कि अगले मॉड्यूल में आओगे, अगले बुक खरीदोगे, अगला सॉफ्टवेयर खरीदोगे। मैं मेरा पर्सनल नंबर क्यों देता हूं? क्योंकि आप मेरे लिए कस्टमर नहीं हो, आप मेरे लिए स्टूडेंट हो। अगर आप चाहते हो तो मैं ट्रेनर हूं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरा असिस्टेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं। तो इसलिए मेरा पर्सनल नंबर दिया है मैंने आपको, कि अगर आपने निश्चित किया कि सर करना ही है मेरे को, कोई आप चांस ही नहीं है कि नहीं करना है, ओके, तो अब आप लक्ष्य निश्चित करके और मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ही चुका हूं। आपको निर्णय करना है पहले, अगर आप सफल होने का निर्णय नहीं करते हैं तो दरअसल आप असफल होने का निर्णय ले चुके होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप सफल होने का निर्णय नहीं करते हैं इसका मतलब है आप ऑलरेडी असफल होने का निर्णय ले चुके हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। मैं और सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और मैं कोई फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूँ। कोर्सेज होते ही हैं, ऑब्वियसली मेरे भी कोर्सेज है। 5 तारीख को एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस लॉन्च कर चुका हूँ और सक्सेसफुल हो चुके हैं लोग, तो वो ठीक है, वो सब होता रहेगा, है ना। लेकिन ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, जरूरत है सिर्फ किस चीज की, डिसिप्लिन की। लास्ट पॉइंट है आज का, जरूरत है डिसिप्लिन की, अनुशासन की। तो मैंने पहचान बनाने के लिए काम करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली अनुशासन आएगा। आपको किसी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से आएगा कि मुझे मेरी पहचान बनानी है, मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी है। कहाँ बनानी है? सबसे पहले घर में बनानी है, कि घर वालों को ये लगे कि गजब कर दिया, ये साल तो गजब कर दिया आपने, है ना, ये 3 महीने तो वो हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ। जब घर वाले ऐसा बोलेंगे तो मैं आज की ही बात बता दूं। अभी मॉर्निंग में मैं मेरी वाइफ और बच्चे के साथ मीटिंग कर रहा था, मैंने वाइफ को यही बोला कि 2021 का साल बहुत टफ साल होने वाला है। मैं भी गोल सेटिंग करता हूं, टारगेट करता हूं ना, मेरे लिए 2021 का साल बड़ा टफ ईयर होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहां पर एग्जॉस्टिव टूरिंग करने वाला हूं, ट्रेनिंग करने वाला हूं, 2 बार मैं आउट ऑफ कंट्री जाने वाला हूँ, इनविटेशन आया है ट्रेनिंग के लिए, इसलिए तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्पीच देने वाला हूँ जहां पर 15,000 से ज्यादा लोग होंगे, 70 देशों से 15,000 से ज्यादा लोग जिस प्लेटफॉर्म पर होंगे वहां पर मैं स्पीच देने के लिए इन्वाइट किया गया हूँ और वहां मैं जाने वाला हूँ। तो 15-20 दिन तो उसमें लग जाएंगे मेरे, है ना, फिर एक और दूसरी कंट्री में भी जाने वाला हूँ। तो और उसके साथ 2-3 और बड़े, मैं 9 जनवरी को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जो अनाउंसमेंट आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि इतना बड़ा कैसे सोच सकता है कोई भी व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं सारे। सो ये एनर्जी मेरे को वहां से मिलती है, है ना, मेरे को, मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरे को एनर्जी वहां से मिलती है। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है इसका मतलब है आप सोच नहीं रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, छोटा सोचेंगे ना तो वो छोटी सोच आपकी एनर्जी चूस लेगी, छोटी सोच आपकी एनर्जी चूस लेगी, बड़ा सोचेंगे तो बड़ी सोच आपको एनर्जी देगी। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर आपको एनर्जी नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं, सुबह उठ के कॉल इच्छा नहीं होती है, कॉल करने की निराश हो जाती है, इसका मतलब एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है छोटा सोचा है आपने, बड़ा सोचा। अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपने ऐसा सोचा कि सर पॉलिसी तो होती नहीं है इसलिए मैं उसका कैसे सोचूं, अच्छा ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी 10,000 लोगों को फोन कॉल नहीं किया है, ये साल मैं 10,000 लोगों को फोन कॉल करूंगा। हेलो, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आप 10,000 लोगों को फोन कॉल करेंगे, ये भी एक टारगेट बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य होगा वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया मैं 131 शहरों में गया, तो आपको क्या लगता है मैं कोई 131 शहरों का प्लान किया था मैंने? नो इमरान भाई, मैंने 131 शहरों का प्लान नहीं किया था, मैंने प्लान 100 शहरों का ही किया था। ओरिजिनल ब्रोशर क्या था मेरा? 100 दिन 100 शहर 100 ट्रेनिंग, वहां पर जाकर मैं 100 एडवाइजर को बताऊंगा कि 100 दिन में 100 लाइफ कैसे की जाती है, ये ओरिजिनल प्लान था मेरा, ये ओरिजिनल मार्केटिंग लाइन थी मेरी इमरान भाई। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने 100 शहरों में अनाउंस किया
कि मैं ये 100 शहरों में आऊंगा, तो बीच के लोगों ने फोन किया, अरे सर आप अमरावती से जा रहे हो उदाहरण के तौर पे लातूर, बीच में हमारा शहर आता है, आपने हमारा हमने क्या बिगाड़ा है, आप हमारे शहर आ जाओ। ये भी बात ठीक है। फिर बोले सर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, बीच में हमारा शहर भी आता है, आप हमारे यहाँ भी आ जाओ। ये भी बात ठीक है। ऐसा करते करते 31 शहर जुड़ गए। हेलो, सोचा था 100 का, जुड़ गए 31। अब आप अंदाजा लगाइए, इसकी जगह मैंने 10 का सोचा होता, मनीष मिश्रा, अगर मैंने 10 का सोचा होता तो कोई बाकी के 121 शहर नहीं आते, अरे 10 जगह जा रहे हो, हमारे यहाँ भी आ जाओ। ऐसा नहीं आते, बल्कि 10 में से 4 लोग तो मना भी करते कि नहीं हमारे शहर में। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ी लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा नहीं सोचते हैं, तो फिर वो आपकी एनर्जी चूस लेती है, छोटी सोच जो होती है ना। तो बड़ा सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपनी पहचान बनाने के लिए सोचिए, मुझे ये साल मेरी पहचान बनानी है। चला रहे, तो ये मुझे कुछ आपसे बात करनी थी, और उसके लिए जो भी आपको लगता है मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे बिना किसी संकोच के बताइए। मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं यूट्यूब पे, मेरा ट्रेनर ऐप पे, एक एडवाइजर ऐप भी लॉन्च किया है। एक एडवाइजर ऐप क्या है, साउथ एशियन फाइनेंशियल एडवाइजर्स लीग सिंगापुर ने लॉन्च किया है, ये फ्री ऐप है, और सुनना ध्यान से, ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, है ना। trainerhimanshu.com पर जाएंगे, वहां सारी जानकारी लिंक मिल जाएंगे आपको। आपको इनपुट मॉनिटरिंग करना चाहिए कि मैं टोटल काम कर क्या रहा हूँ, इनपुट क्या है मेरा, है ना, मैं कितना रिजल्ट मिला वो नहीं, मैंने कितना काम किया उसका। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको पूछूं कि आपने पूरे सत्यमंडल, आपने पूरे 2020 के कैलेंडर ईयर में टोटल कितने कॉल फोन कॉल किए टोटल, तो क्या आपको पता है नंबर? नहीं पता है। अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल मीटिंग कितना किया, तो नहीं पता है। टोटल कितनी फर्स्ट टाइम मीटिंग की और कितनी फॉलो अप मीटिंग की पता है, तो नहीं पता है। इसका मतलब है बिजनेस अपने कंट्रोल में नहीं है, इनपुट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है एडवाइजर ऐप वाला सॉफ्टवेयर फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है इनपुट डेटा मेंटेन करने में, ख्याल आ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा ओके, इस महीने मेरे आज मेरे 10 कॉल हुए, इस महीने में टोटल मेरे 300 कॉल हुए, इस साल में मेरे टोटल 8000 कॉल हुए। तो वहां से जो इनपुट डेटा से बहुत सारी चीजें फिर पता चलने शुरू होती है। तो आप उसको भी trainerhimanshu.com साइट है, वहां पे सब जानकारी मिल जाएगी आपको, फ्री है, कोई चार्ज। मेरा ट्रेनर ऐप भी फ्री है, एडवाइजर ऐप भी फ्री है। मैं इन ऐप का पैसा नहीं लेता हूं, क्योंकि ये मैंने एडवाइजर को रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी दिलाने के लिए जो इक्विप करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए बनाई है। ये धंधा नहीं है मेरा। बहुत सारे लोगों का सॉफ्टवेयर और ऐप बेचना धंधा होता है, ये मेरा धंधा नहीं है। एडवाइजर ऐप फ्री है और हमेशा लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगी। मेरा ट्रेनर ऐप फ्री है और हमेशा के लिए फ्री रहेगा, उसका कोई चार्ज कभी भी नहीं रहेगा। सो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि साधन उपलब्ध है, आप उपलब्ध हैं, लक्ष्य निश्चित करिए और आगे बढ़ जाइए। मेरा नंबर है 9825600778। बिना किसी संकोच के मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना बेस्ट तरीका है। फोन कॉल शायद मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि बिजी रहता हूं। मैसेज आया 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करता हूं मैं, है ना, 100% रिप्लाई करता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर कभी रह जाता है एक रिमाइंडर वापस मैसेज भेज दीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है 700-800 मैसेज आए हुए होते हैं रात भर के, तो उसमें अगर खो गया कहीं आपका मैसेज तो एक बार रिमाइंडर जस्ट वापस कर देना, लेकिन मैं जवाब जरूर देता हूं मैसेज का। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी सर। हाँ जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। जी सर, मनीष मिश्रा है सर, कटनी जिले से हूँ मैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन ये है कि सर जैसे जिन लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, जैसे उनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग एग्री भी हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम करा लेंगे या करेंगे, इसके बाद सर जब उनको घर जाओ या तो मिलना लोग बंद कर देते हैं या फोन कॉल्स उठाना ही बंद कर देते हैं, मतलब एकदम इग्नोर कर देते हैं सर उन लोग, तो क्या किया जाए? वही सर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए इसका। देखो, अगर आपको लोग फॉलो अप नहीं करने दे रहे हैं, दोबारा मिलने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है पहली मीटिंग में आपने बहुत बड़ा कांड किया है वहां पे। मनीष मिश्रा, समझ में आ रही है? जी सर। इसका देखो, व्यक्ति मिल लिया और अब दोबारा मिलने को तैयार नहीं है, मतलब पहली बार, उदाहरण के तौर पे आप एक हीरो की पिक्चर देखने जाते हैं और वो पिक्चर इतनी पकाऊ होती है, कि आपको लगता है इंटरवल से पहले मैं निकल लूं, नहीं तो सिरदर्द की दवा का खर्चा और करना पड़ेगा। अगली बार उस व्यक्ति की पिक्चर रिलीज होगी तो देखने जाओगे क्या? नहीं, नहीं जाओगे। सीधी सी बात है ना। तो आपको अगर कोई व्यक्ति दोबारा नहीं बुला रहा है मिलने के लिए, इसका मतलब है आपने मीटिंग में कुछ गड़बड़ किया है, एंड मीटिंग का एंड अच्छी तरह से नहीं किया है। तो अब ये कैसे करना चाहिए? तो अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन इसका ऑलरेडी एक वीडियो है, मैंने बोला ना यूट्यूब पर, वीडियो का नाम है
सेल्स प्रेजेंटर न्यू, लिख लीजिए, वीडियो का नाम है सेल्स प्रेजेंटर न्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, YouTube पर जाएंगे, हिमांशु जोशी टाइप करेंगे तो मेरा चैनल मिलेगा, या सेल्स प्रेजेंटर न्यू टाइप करेंगे तो मेरा एक वीडियो मिलेगा। ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मीटिंग में बात, डायलॉग टू डायलॉग रोल प्ले है वहां पर, है ना, तो आपको बात क्या करनी, उस तरह से अगर आप मीटिंग करेंगे तो आपको दोबारा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सुनना बहुत ध्यान से, मैं बड़े गर्व से ये बात बता रहा हूँ। सुब्रत सरकार जी, अगर आप किसी भी ट्रेनर को पूछेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो वो आपको बोलेगा ठीक है 3 घंटे का सेशन है, आ जाओ भैया, आप 500 रुपया 1000 रुपया फीस है उसकी, यस और नो। लेकिन मैं आपको 3 घंटे का सेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फुल सेशन फ्री दे रहा हूं, फ्री, ठीक है। तो वो कहां पर है, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, रिप्लाई मिल जाएगा आपको, मैं रिप्लाई करूंगा, उसमें आपको ऑडियो है, 3.25 घंटे का ऑडियो है और 1 घंटे का वीडियो है, कंप्लीट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। जितने भी 25 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन सभी ऑब्जेक्शंस के जवाब मैंने उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। बार 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 सुनिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरे पास जवाब तैयार है। इस बार ऐसा बोलेगा, विचार करके बाद में बताता हूँ, तुरंत मैं उसको ये जवाब दूंगा। वो बोलेगा कि अभी पैसा नहीं है, तुरंत ये जवाब दूंगा। बोलेगा भाई साहब को पूछना पड़ेगा, तुरंत ये जवाब दूंगा। सीए को पूछूंगा, तुरंत ये जवाब दूंगा। तो 3.25 घंटे का ऑडियो और 1 घंटे का वीडियो, ये फ्री अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है उसका, ठीक है। तो सेल्स प्रेजेंटर न्यू एंड ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऑडियो वीडियो है, इससे आपके सेल्स से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है जी सर? ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? गुड। सो मेरा नंबर फिर से कुछ लोगों ने मांगा है, लिख लीजिए 9825600778। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9825600778, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, एक ही नंबर है मेरा। आप रिंग मत करिएगा, कॉल मत करिएगा, दो कुछ लोग देखो मिस कॉल कर रहे हैं, आप मैसेज करिए, है ना, आप मैसेज करिए अपना नाम, शहर का नाम, और जो भी प्रश्न है वो पूछ लीजिए। आपको इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली कुछ लिंक आएंगे, उन लिंक में 99.9% सभी चीजों के जवाब होंगे और फ्री में जवाब होंगे बिना किसी चार्ज के, है ना। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो उसका मैं अलग से भी जवाब दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा मैं चाहता हूं मेरा पर्सनल स्वार्थ क्या है वो बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि 31 मार्च तक में आप कम से कम 100 लाइव करो, 31 मार्च तक कम से कम 100 लाइव करो, और जब लोग पूछें कि ये कैसे हो गया तो आप लोगों को बता पाएं कि 27 दिसंबर को हमने एक सेशन अटेंड किया था, सर की एक बात हमको टच कर गई और वहां से हमको चिंगारी लग गई और हम आगे बढ़ गए। मार्केट में आप नहीं करेंगे काम तो भी लाखों करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रीमियम इकट्ठा करती है हर साल। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रीमियम इकट्ठा करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री हर साल, आप करो या नहीं करो। पिछले साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 42,000 करोड़ रुपए का कमीशन बांटा था, 42,000 करोड़ रुपीज का कमीशन बांटा था उत्पल घोष, समझ में आ रही है। और कमीशन बांटते वक्त कोई आरक्षण नहीं था, कोई देश जाति धर्म नहीं था, कोई पार्टी नहीं था, जो काम करेगा उसको मिलेगा, इतना सिंपल सा सिद्धांत था। अब आपने, आपको जिंदगी में बदलाव लाने के लिए 42,000 करोड़ चाहिए क्या उत्पल? नहीं, आपको 5-10 लाख रुपया भी आ गया ना तो भी घर की शक्ल बदल जाएगी, यस और नो? आपको 25-30 लाख रुपया आ गया तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपका 40-50 लाख रुपया आ गया तो आप घर बदल लोगे, अपना गाड़ी बदल लोगे, यस और नो? आपको सक्सेसफुल होने के लिए 1,000 करोड़ नहीं चाहिए। आप इस साल में 10 लाख एक्स्ट्रा भी कमा लिए ना भूपेंद्र सोलकर जी, 10 लाख एक्स्ट्रा कमा लिए ना तो भी बहुत सारी चीजें बदल जाएगी घर में, राइट और रॉन्ग सत्य मंडल, यस और नो? तो आपको वो 42,000 करोड़ में से अपना हिस्सा लेने के लिए कितनी भूख है, आप चम्मच लेकर जाएंगे, बाल्टी लेकर जाएंगे, गिलास लेकर जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं ये बोल सकूं, मैं बोल सकूं कि मैंने पहले याद दिला दिया था, ठीक है, मैंने पहले याद दिला दिया था। और आप क्या करेंगे, आप जब सक्सेसफुल होंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ 27 तारीख को सर ने बोला था ऐसा, उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ नहीं,
बूस लास्ट पॉइंट है ना, इसके बाद सेशन खत्म। आपको अगर इंडस्ट्री छोड़नी भी है ना, आपको लगता है सर नहीं हो रहा है, सर इसकी जगह तो कुछ और कर लूं, एग्रीड। मैं तो कहता हूं कल छोड़ते हो ना तो आज छोड़ दो, लेकिन असफल होकर मत छोड़ो इसको। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दोगे असफल होकर, जगन्नाथ मिश्रा जी सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आप सभी लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री को छोड़ देगा तो वो छोड़ा नहीं कहलाएगा। लोग आपका एग्जाम्पल ऐसे नहीं बोलेंगे कि मनीष मिश्रा ने छोड़ दिया, लोगों को ये कहलाएगा कि वो नहीं कर पाया, है ना। आपके सभी रिश्तेदार अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, मनीष ने भी ट्राई किया था कुछ नहीं हुआ उससे, है ना। तो आप असफलता का एग्जाम्पल बनकर मत छोड़ना, आप सफल होइए, आप वो काम करिए जो आपने जिंदगी में आज तक नहीं किया है, 100 लाइफ करिए वॉट एवर, एंड देन जिस दिन आपका सम्मान हो ना, सुनना ध्यान से इमरान, जिस दिन आपका सम्मान हो कि जो भी व्यक्ति आप में से ऐसा छोड़ता है, अरे छोड़ रहा हूं मैं इसको, नहीं करना है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया 100 पॉलिसी करो या MDRT करो, और जिस दिन तुम्हारा सम्मान हो ना मुबीन जी स्टेज को, अब 100 पॉलिसी किया तो ब्रांच बुलाएगी आपको सम्मान करने के लिए स्टेज के ऊपर, MDRT किया तो ब्रांच बुलाएंगे आपको सम्मान करने के लिए स्टेज के ऊपर। तो जिस दिन आपको स्टेज के ऊपर बुलाया जाए, ट्रॉफी दी जाए, शॉल उड़ाया जाए, बुके दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए, उस समय माइक हाथ में लेकर बोलना कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ता हूं, भाड़ में जाओ तुम सब लोग, तो मंजूर है मुझे, मंजूर है मुझे। लेकिन अगर आप असफल होकर छोड़ते हैं इसको, तो दरअसल इंडस्ट्री ने आपको बोला है कि भाड़ में जा। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपके बिना भी इंडस्ट्री चल रही है 150 सालों से, और 150 साल आगे और चलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें वट से छोड़ेंगे या आपको छुड़वा दिया गया है कस्टमर्स। अच्छा, किन लोगों ने छुड़वा दिया आपको, सुनना बहुत ध्यान से, किन लोगों ने छुड़वा दिया, जिन्होंने ना बोला, यानी जिन्होंने आपके जिंदगी, नहीं तो क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से, नहीं तो क्या होता है इमरान, कि लोग आपको बोलते हैं कि काम कर, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपया देता हूं, तू इसको छोड़ दे, तो समझ में आता है कहां छोड़ दिया, फायदे से छोड़ा, उसने 5 पैसा दिया नहीं प्रोस्पेक्ट ने आपको, और इंडस्ट्री छुड़वा दी आपके, सोचो, ये तो कैसी कमाल की बात हो गई, नहीं 1 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन किया। नहीं तो होता ना, वोट के लिए खरीद लेते हैं लोग, है होते नहीं तो विधानसभा में लोकसभा में, ये काम कर तू मेरे पक्ष में वोट दे देना, है ना, तू उसको हराने के लिए अपने को, तो तू इधर आ जा, तेरे को 5 करोड़ दे देंगे, रिसोर्ट में ले जाके रख देते हैं उन लोगों को, तो फायदा है भी, ठीक है ना, मेरे को इसको सामने वाले को हराने का 5 करोड़ मिल रहा है, तो मैं एक वोट ही तो देना है मेरे को, होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहां तो प्रोस्पेक्ट ने आपको दिया कुछ नहीं, इंडस्ट्री और छुड़वा दी आपकी, तो ये तो भैया मेरे को तो गले से उतरने वाली बात लगती नहीं है, है ना। आप छोड़ो, वट से छोड़ो, है ना। जिस दिन आपको 100 पॉलिसी के लिए स्टेज के ऊपर बुलाया जाए, उस दिन बोलो कि छोड़ता हूं भैया, सबको राम राम राम, सबको तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर, तब तो है वो मर्दों वाली बात जिसको बोलते हैं। अदरवाइज फिर है ना, ठीक है, लाखों लोग कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है पैदा भी हुए थे, है कि नहीं। पहचान जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में, पहचान बनाने का अवसर है यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, आप नौकरी करने जाओगे ना जगन्नाथ मिश्रा जी, आप घिस जाओगे ना पूरे, तो भी वहां पर आपकी कंपनी के बाहर कोई लोग जान नहीं पाएंगे आपको, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पब्लिक लाइफ होती है, यहां पर अगर आपने पहचान बनाई तो पब्लिक में पहचान बनती है, आप 4 लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, ये अवसर है आपके और मेरे पास। इसी के साथ आज का सेशन में खत्म कर रहा हूँ। 9825600778 मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, trainerhimanshu.com मेरा पर्सनल साइट है, यहाँ पर आप जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं, फ्री मटेरियल है सारा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे नंबर पे टच पे रह सकते हैं, कुछ भी तकलीफ हो बिना किसी संकोच के, ये सोचना ही मत कि सर डिस्टर्ब होंगे, सर डिस्टर्ब नहीं होते, सर का काम ही यही है भैया, है ना। क्वेश्चन बिना, फोन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फोन उठाना, व्हाट्सएप करना, मुझे मैसेज करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कि ये 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं हुआ है, तो जिसने भी आपको इस सेशन के बारे में जानकारी दी थी उसको आप वापस फीडबैक दे देना कि कैसा रहा आपको, टाइम वेस्ट हुआ कि फायदेमंद रहा, उनको एक बार फीडबैक जरूर दे देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। 9 जनवरी को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरा, क्योंकि मैं 9 जनवरी को जब बहुत बड़ा विश्व का बहुत बड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और लिंक आप तक पहुंच जाए, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे नंबर है उसमें संपर्क में रहना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।